नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद में जमीन कब्जा करने वाले दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही। जहां आज भोगीपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव में दबंगों के द्वारा 4 फुट चौड़े मेन रास्ते को कब्जा करते हुए रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया, जिससे परेशान एक पीड़ित ने SDM भोगनीपुर के साथ साथ थाना देवराहट में न्याय की लगाई गुहार। लेकिन दबंगों के आगे प्रशासनिक अधिकारी दिखे नतमस्तक, पीड़ित को अभी तक नहीं मिला न्याय। जी हां, आपको बता दें, पूरा मामला तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुधनिया का है, जहां एक पीड़ित इसरारुल हसन द्वारा 24 तारीख को SDM भोगनीपुर को प्रार्थना पत्र देते हुए पड़ोसी फरक हसन द्वारा 4 फुट चौड़े रोड के ऊपर छज्जा डालकर रोड अवरुद्ध करने के मामले को लेकर शिकायत की गई। वहीं SDM भोगनीपुर ने पीड़ित द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को देवराहट SO को आदेश करते हुए मौके पर निरीक्षण कर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आदेश जारी किए थे, जहां पुलिस ने मौके में पहुंचकर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते पीड़ित ने आज गांव पास कब्रिस्तान में अपने लिए कब्र खोदनी चालू कर दी। अपने लिए कब्र खोदने की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोग घटना स्थल पर एकत्र हो गए। कई लोगों ने पीड़ित को समझाना चाहा, लेकिन वह सिर्फ न्याय पाने को लेकर अड़ा रहा। जहां ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। जब इस मामले को लेकर पीड़ित से बात की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते मैं आज अपनी कब्र खोदकर जिंदा समाधि लेते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। क्या नाम है आपका दादा? कुछ ना कहते। अरे भाई, आपका बेटा कब्र खोद रहा है, जिंदा समाधि लेने की बात करता है। वो कह रहा हमें न्याय नहीं मिला तो जिंदा समाधि ले लेंगे। आपने उसको समझाया नहीं? क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? आप उनके पिता हैं, क्या नाम है आपका? अब हमारा नाम तो अबरार हसन है। अबरार हसन जी, तो हसन जी ये बताइएगा कि आपका बेटा यहाँ पर कब्र खोद रहा है, उसका कहना है कि कुछ लोगों ने रोड में छज्जा डाल रखा है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम जिंदा समाधि ले लेंगे, निकलने का रास्ता मांग रहा है। तो अब तुम देव साहब, तुम्हें देने वाले हो, अच्छी बुरी जो कुछ है इंसाफ वाले। आप क्या छज्जे डालने का विरोध करते हैं, जो छज्जा डाला गया है? हम का विरोध करें? वो तो सब गांव भर निकल, ये गांव भर विरोध करे ना करे। क्या ये लोग जो छज्जा डाल रहे हैं, क्या ये लोग वैसे हो अपने तुम जा पावन मजबूरी है आग में इस खटोली? अच्छा, जिन लोगों ने छज्जा वगैरह डाला हुआ है, क्या ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं क्या? जाने अब जैसे जो कुछ हो भैया, मैं बताना चाहिए कौन का तू कैसे का? मेरा नाम है इसरारुल हसन। कहाँ रहने वाले हैं? ग्राम दुधनिया। अच्छा, आज जानकारी मिली थी कि आपके द्वारा एक कब्र खोदी जा रही है, आपको कहना है उसमें जिंदा समाधि ले लेंगे जी। किस बात को लेकर आप ऐसा कदम उठा रहे हैं? हम इस बात पे सर कदम उठा रहे हैं कि हमारे रास्ता चाहिए हमको। अगर हमारी वालिद की या हमारी किसी की अगर मौत मिट्टी हो जाती है तो वहाँ से निकलने के लिए मुझे जगह चाहिए। अगर जगह नहीं मुझे मिलेगी तो कहाँ से मिट्टी जाएगी सर? नहीं, तो किस चीज़ में कब्जा कर ली, किस में कब्जा किया गया है सर? कब्जा तो रास्ते की बात है ना, रास्ते में रास्ता मुझे चाहिए। रास्ते में मतलब इतनी कब्जा ऐसा कर लिया गया है? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, तो वो जगह दिखाएंगे कौन सी जगह है, कहाँ पर जगह? सर आगे ये बारी है, ये तो इतना बना है, यहाँ से तो निकल जाएगी। तो क्या आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ जी सर, दिया था मैंने। तो क्या उसका दिया है सर? SDM साहब की कोई अधिकारी आया नहीं अभी तक? अभी तक मुझसे अधिकारी मिला नहीं है, आया था, लोगों ने बताया है, अपने मुलाकात करके चले गए। तुमसे नहीं मिले? मुझसे मुलाकात नहीं की किसी अधिकारी ने अभी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या जो है वो समस्या का समाधान हो जाए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से घर से बाहर ही ना निकल पाए तो ऐसे जीने का मकसद क्या है? अच्छा, आप जो निकलने के लिए रोड मांग रहे हैं, अगर आपको रोड नहीं मिलता तो आप क्या करना, क्या करेंगे? अब मैं ये करूँगा कि अब ये झगड़ा तो लड़ूंगा नहीं, झगड़ा लायक आदमी हूँ नहीं, ना झगड़ा लड़ पा रहा हूँ। और खुद लोग दूसरे की कह सकते हैं जो मतलब जोरदार है, हमारी गरीब की तो नहीं कह रहे, मगर मैं यही कर सकता हूँ, मैं अपनी खुदकुशी कर सकता हूँ, अपनी समाधि ले सकता हूँ, इससे इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं पड़ेगी, वो तो मेरा हक है, मैं ठेकेदार हूँ अपनी जान का, अपनी माल का। समाधि ले, मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा हूँ।